सुन्ना रमन रहीम नजरें, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि गंदम के ऊपर जो है ना ये सुंडी का हमला हो गया। अब गंदम पकाई के मरहले में है तो ऊपर से खास तौर पर ये दरिया सिंध के साथ साथ जो कच्चे के इलाके हैं जहां पे भी गंदम जो है कच्ची हालत में है, इन ताकतवर गंदम जो है तो सिट्टों के दाने खा रही है सुंडी। देखें पहले मौसम गर्म हो गया था, परवाना बेशुमार हो गया था, अंडे दे गया है। अब मौसम ठंडा है लेकिन अब सुंडी जो है आराम से, वो सुंडी का जो है ना अगली हालत में जाने का जो अमल है वो स्लो हो गया है, वो खाती जा रही है, बड़ी बड़ी सुंडी हो गई है। अगर गर्मी शुरू हो जाती तो अब तक प्यूपा बन चुकी होती। अब देखें ये मुसीबत ऐसी है कि ऊपर से मौसम है तो नीचे से ये सुंडी भी अब डट के नुकसान करना शुरू कर दिया है, तो ये डबल मुसीबत बन गई है, एक साफ दूजा उड़ना। ये मुसीबत क्यों आती है? देखें ये अमेरिकन सुंडी है, लश्करी नहीं है, लेकिन अमेरिकन सुंडी का और लश्करी सुंडी का कोई डॉलर डिप्लोमेसी का तल्लक जरूर है। ये कौम जो है ना लश्करी सुंडी को डील नहीं कर सकी। ये जो आफत अब जो आ गई ना मौसम के बाद जो है ना सुंडी का हमला, इसके ऊपर जो ना एमामेक्टम स्प्रे कर लें ये कर लें, ऐसा नहीं है मामला, है भी लोकलाइज केस में। किसी साल इसका ना हर 5-7 साल बाद इसका अमेरिकन का जो है ना अटैक होता है, वरना लश्करी सुंडी तो सिर्फ पत्ते छत्ते खाती है, वो ज्यादा नुकसान नहीं करती, लेकिन ये जो अमेरिकन है ना ये ज्यादा नुकसान करती है। तो अगर आप समझते हैं ना कि पूरे खेत में ये काफी ज्यादा नुकसान कर रही है, वैसे तो ये 2-3 दाने ऊपर से 4 खाती है, ना भी स्प्रे करें ना, अगर आप समझते हैं कि 10 दिन में तैयार हो जानी है गंदम, और कभी हम कहने का धूप लग जाए तो फिर ये हो भी जानी है, स्प्रे की जरूरत ही नहीं है। जो बंदा कहता है यार इतना खर्चा करके फसल तैयार की है, ऊपर से सुंडी लगी हुई और बेशुमार है सुंडी, हर सिट्टे के ऊपर सुंडी मौजूद है, तो भाई जी बेल्ट स्प्रे करें, फ्लू बेंडामाइड ये बायर की प्रोडक्ट है, 50 मिलीलीटर ये स्प्रे कर दें, या रेडियंट ले आए जहां जहां पे आप समझते हैं कि जिस तरफ ज्यादा अटैक है उस तरफ आप स्प्रे करके जान छुड़ाएं, रेडियंट कर लें या बेल्ट कर लें। इधर उधर की अब एमामेक्टम से तो नहीं मरने वाली, ये बड़ी हो गई है,